एवरीवन, वैकेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विस रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें 224 पोस्ट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सब आप जान सके। अब इसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है 18 अप्रैल 2023 को। इसमें टोटल 224 पोस्ट है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 26 अप्रैल 2023 से और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 26 मई 2023। अब इसमें एज लिमिट क्या है वो देख लेते हैं। मिनिमम एज लिमिट है 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट है 38 ईयर्स। एज लिमिट देखा जाएगा 1 अगस्त 2022 के हिसाब से। इसमें एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर रूल्स। जो भी कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है, मास्टर्स डिग्री की है रिलेवेंट फील्ड में, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें पोस्ट डिटेल्स देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 45 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 43 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 53 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 24 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 9 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 11 पोस्ट है, फिजिक्स में 13 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 11 पोस्ट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है, मेटलर्जी में 5 पोस्ट है, माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट है, जियोलॉजी में 2 पोस्ट है। अब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज की गई है 18 अप्रैल 2023 को। इसमें पूरे डिटेल में बता दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा 26 अप्रैल 2023 से और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 26 मई 2023। इसमें टोटल 224 पोस्ट है, जिसमें 73 पोस्ट ओमेन के लिए रिजर्व्ड है। अब इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 45 पोस्ट है, जिसमें 15 पोस्ट ओमेन के लिए रिजर्व्ड है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 43 पोस्ट है, 14 पोस्ट ओमेन के लिए रिजर्व्ड है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 53 पोस्ट है, 17 पोस्ट है ओमेन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 24 पोस्ट है, 8 पोस्ट ओमेन के लिए है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 9 पोस्ट है, 3 पोस्ट ओमेन के लिए रिजर्व्ड है। मैथमेटिक्स में टोटल 11 पोस्ट है, 4 पोस्ट ओमेन के लिए है। फिजिक्स में टोटल 13 पोस्ट है, 4 पोस्ट ओमेन के लिए है। केमिस्ट्री में टोटल 11 पोस्ट है, 4 पोस्ट ओमेन के लिए है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में टोटल 3 पोस्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है, मेटलर्जी में 5 पोस्ट है, 2 पोस्ट है ओमेन के लिए रिजर्व्ड। माइनिंग इंजीनियरिंग में टोटल 3 पोस्ट है, 1 ओमेन के लिए रिजर्व्ड है। जियोलॉजी में टोटल 2 पोस्ट है, 1 ओमेन के लिए, 1 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो टोटल 224 पोस्ट है इसमें। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या है वो देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में सिविल इंजीनियरिंग में और उसमें फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में और बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री दोनों में फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और उसमें फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में और बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री दोनों में फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारे सेम ही है। जो कैंडिडेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री की है और उसमें फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और उसमें बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री दोनों में ही फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में और उसमें फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में और उसमें फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है और दोनों में फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है और उसमें फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए, जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है फिजिक्स में और उसमें फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री,
जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है केमिस्ट्री में और उसमें फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में और उसमें फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री दोनों में फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है केमिकल इंजीनियरिंग में और उसमें फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है केमिकल इंजीनियरिंग में और बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री दोनों में फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेटलर्जी, जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है मेटलर्जी इंजीनियरिंग में और उसमें फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है मेटलर्जी इंजीनियरिंग में और बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री दोनों में फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग, जो कैंडिडेट बैचलर्स डिग्री की है माइनिंग इंजीनियरिंग में और उसमें फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है माइनिंग इंजीनियरिंग में और बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री दोनों में फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जियोलॉजी, जो कैंडिडेट मास्टर्स डिग्री की है जियोलॉजी में और उसमें फर्स्ट क्लास है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पहले रिटन एग्जाम होगा 500 मार्क्स का, फिर इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है वो भी बता दिए गए हैं, वो है बालाशोर, बेरहामपुर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर। यह चेंज भी हो सकता है। अब इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं, वो पेज नंबर 13 में है, देख लेते हैं। इसमें पहले रिटन एग्जाम होगा, उसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और सब्जेक्ट बेस होगा। जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज होगा 100 मार्क्स का, जिसमें टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। और फिर 400 मार्क्स का एग्जाम होगा जो कि सब्जेक्ट बेस है, जिसमें दो पेपर होगा, पेपर वन और पेपर टू। 200 मार्क्स का एग्जाम है ईच पेपर, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 25% नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और टाइम ड्यूरेशन है 3 घंटा। इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 50%, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 45%, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%। इसमें सिलेबस भी बता दिए गए हैं, सब्जेक्ट वाइज क्या सिलेबस है वो पेज नंबर 15 से है, यहाँ पे पूरे डिटेल में बता दिए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेष।